एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे तो 10, और लाइसेंस के 5,000, आरसी के 5,000, पॉल्यूशन के 10,000, इंश्योरेंस के 2,000। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका कहीं चालान कट जाए, आपको लगे कि मेरा यहाँ चालान कट गया और बहुत ज़्यादा का हो गया, आप घबराएं मत, बिल्कुल मत घबराएं। आपको 15 दिन का टाइम मिलता है चालान भरने का, उस टाइम आप ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाकर उस चालान को संबंधित ऑफिसर को दिखाइए। दिखाने के बाद जो डॉक्यूमेंट आप पेश करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट आप जिनका आपका चालान कटा हुआ है संबंधित अधिकारी को दिखाएंगे, तो उसमें से आपके जैसे लाइसेंस का 5,000 का कट गया और आपका लाइसेंस घर रह गया था, वो आप दिखाएंगे तो सिर्फ 100 रुपये, आरसी 5,000 है अगर वो आप दिखाएंगे तो भी 100 रुपये, पॉल्यूशन 10,000 है आरसी दिखाएंगे तो 100 रुपये। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जागरूकता की कमी के कारण कुछ लोग पूरा चालान भर रहे हैं, जागरूकता की कमी के कारण कुछ लोग पूरा का पूरा चालान भर देते हैं, और उससे क्या होता है कि जैसे ही वो चालान भरेंगे तो उनके पूरे पैसे लगेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चेक इन के दौरान यदि वाहन के डॉक्यूमेंट नहीं होने के चालान होता है तो उसके कागजात चेक कराकर रद्द करवा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो भी आप कागज लेके जाएंगे उसका 100 रुपये जुर्माना जमा करवाना होगा। चालान का भुगतान करने वाले चालकों को इस तरह से की जानकारी देते हैं, उनका मकसद है कि यातायात नियमों का पालन हो और दुर्घटनाएं कम हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि करप्शन बढ़ेगा।